जगत में खबर नहीं कल की पल की, और 8 नवंबर के बाद तो इस बात की काफ़ी दृढ़ता हो गई होगी, क्या था कल, क्या हो गया आज, 8 और 9 में कितना फ़र्क हो गया। लेकिन दिन जाते कहाँ कहाँ पता चलता है, उस बात को भी कितने 20 दिन हो गए। कल की खबर नहीं जो 500,000 की गाड़ियों की इतनी महिमा थी, और 8 तारीख को शाम को 8 बजे के बाद बिल्कुल महिमा ज़ीरो हो गई, वो तो ठीक, लेकिन आशा नहीं ज़ीरो हुई। 500,000 की महिमा तो गई उन नोटों की, लेकिन आशा लाइनों की फॉर्म में अभी भी देखते हैं। लंबी लंबी कतारें लगी होती है, लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, जहाँ जाओ एटीएम के अंदर, बैंक्स में लंबी लंबी लाइन, क्योंकि अभी भी जीव को कहीं ना कहीं आशा ज़रूर है। सुख तो इसी से मिलेगा, कुछ भी करके परिवर्तन कर लिया जाए, 500,000 बंद हुआ तो 2,000 आया, 500 का नया आया, वो भी नया आ गया। परिवर्तन में अभी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आशा पड़ी है कि सुख तो मिलेगा कहाँ से, अब बाहर तो छोड़ो, अभी तो 500,000 की बात चल रही है। अभी इसीलिए ये लोग भक्ति कल प्रकाश वो दिखा रहे थे, मैंने कहा बहुत बढ़िया, बिल्कुल अवसर अनुरूप भक्ति है ये। जगत में खबर नहीं कल की, लेकिन आशा कहाँ छूटती है, तृष्णा कहाँ छूटती है। कुछ लोग थे जिनकी आशाएं छूटी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये सही है कि नहीं इसका प्रमाण मुझसे मत मांगना, पर मुझे अच्छा लगा, मैं खाली इतना शेयर करती हूँ। और ये परिवार है इसलिए, ये पूरा परिवार है इसलिए मैं शेयर कर दूँ, सही है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। लेकिन जैसे ही ये डीमोनेटाइजेशन हुआ ना, लगभग हफ्ते के अंदर कितने ही साधकों के ऐसे फ़ोन आ गए कि डोनेशन में ले जाओ वो पैसा। सच में झूठ नहीं कह रही, कितने साधकों के आशा छूटी, तृष्णा छूटी, ने तो 31 दिसंबर तक तो हर कोई ट्राई करेगा ही, उसके बाद देगा, उसके बाद तो देगा नहीं, उसके बाद तो फिर कोई लेगा नहीं शायद यहाँ पर। लेकिन कितने ही साधकों का, ये लोग मुझे बताते थे, तो मैंने कहा सही है कि गलत मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे सुनकर अच्छा लगता था कि किसी को व्यर्थता महसूस तो हुई, अभी भी वो तृष्णा में नहीं है कि इसको बदल कर कुछ कर लूँ। इसलिए उन्होंने कहा सुकृत कर ले, अच्छा काम अभी कर ले, भले अब नकली पैसों से कर, लेकिन तुमने तो नकली पैसों के अंदर भी वैल्यू डालकर कहीं ना कहीं अभी तुम उन्हीं कतारों में, उन्हीं आशाओं में घूम रहे हो। इसलिए मैंने कहा मुझसे ये मत पूछना कि ये सही है कि गलत, लेकिन तृष्णा मुक्त तो हुआ वह जीव, जिन जिनके फ़ोन आए, मुझे नाम भी नहीं पता किसका है, लेकिन ये लोग मुझे बताते थे कि प्रभु डीमोनेटाइजेशन होने के बाद कितनों का फ़ोन आया कि काफ़ी तो हो गया, लेकिन कुछ 1,50,000 पड़ा है, तो प्रभु आप डोनेशन फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेंगे। ये भी मत पूछना इन्होंने क्या जवाब दिया, मत पूछना। हाँ, कोई बुराई नहीं लेने में, क्योंकि वो इनको भी प्रभु कृपा ऐसी है ना, इन लोगों को भी सामने हरिद्वार होटल वाला मिल गया, जितना है दे दो, जितना बताती हूँ अंदर की बातें, लोग अभी जाके आए ना, इसलिए कहते जितना है दे दो, 31 दिसंबर से पहले शिविर हो जाएगी। तो इन लोगों को भी लगा कि ठीक है अब तो हम ले सकते हैं, मतलब। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि वस्तु में से मूल्य चला जाने के बाद भी तृष्णा के कारण, इच्छा के कारण, हम उसका रूपांतरण करके भी उससे सुखी होने की चेष्टा करते हैं, और ये तीव्र कर्म बंध, कर्म संस्कार हमारा अभी का नहीं है, जन्मों जन्म से चला आ रहा है। आज कितने लोग, टेक्स्ट तो आया होगा सबके पास, क्या सत्संग ऊपर नहीं है, नीचे के हॉल में है, लेकिन फिर भी कितने लोग आज ऊपर की तरफ चले गए, कोई भी नहीं, 1-2, मेरा भी कदम उठा था, 3-4-6-8-10-12 दिख गए मुझे। कितने दिनों से हमें ऊपर जाने की आदत है ना, सत्संग के लिए अंदर घुसे, गाड़ी में से निकले, अंदर घुसे और सीधा ऊपर की ओर चले गए। आज मुझे पता है टेक्स्ट कुछ चल रहे थे, आ रहे थे कि आज ऊपर के जगह नहीं है, नीचे सत्संग है। कितने टाइम से आप सत्संग में आ रहे हैं, 60 बार से 60 सत्संग हुए हैं उत्तराधन के,
कितने हैं, 58 59 सत्संग से खाली आ रहे हैं। कोई भी कृत्य केवल 58 बार करने से तुम्हारे को ये आदत पड़ गई कि टेक्स्ट आया था, चिट्ठी आई थी कि आज सत्संग नीचे है, लेकिन आदत वशम कैसे ऊपर भागे। इसी को संस्कार कहते हैं। जो लोग ऊपर नहीं गए और बिल्कुल सीधे सटीक नीचे आ गए, सटीक बिल्कुल उनको ख्याल था, समझना इन लोगों ने जागृति हासिल की है इस मार्ग पर चलते हुए। जागृति है क्योंकि 58 बार के सत्संग की जो आदत थी उसको अचानक से तोड़ के, और ये 58 59 जो भी सत्संग है इसमें तुरंत उनको ख्याल आया नीचे जाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम अपना संस्कार तोड़ें। और यह संस्कार ही कर्म का उदय का कारण है और कर्म के बंध का भी कारण है। संस्कार ही आदत, आदत से ही कर्म बंधता है, और जो चीज़ बंधी है वो आदत के कारण ही उदय में आती है। जैसे जैसे आप इस मार्ग पर बढ़ने लगोगे, संस्कारों का यानी कर्म के बंध के जो कारण है उसका जो धक्का है, उसका जो जोर है, उसका तुम्हारे ऊपर जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए। संस्कार वश हम जरूर ऊपर जाएंगे, 58 बार किया है तो भी ऊपर की तरफ भागे, कितने ही लोग भागे ना। और यहाँ पर जन्मों जन्म छोड़ो, इस जन्म में क्रोध कितनी बार किया, मान कितनी बार किया, राग कितनी बार किया, तृष्णा कितनी बार की, कामना कितनी बार की, ये सब कुछ कितनी बार किया है। अब इसका संस्कार तोड़ने के लिए कैसा धक्का चाहिए। इन्होंने एक व्हाट्सएप डाला, मैं हर थोड़े थोड़े दिन में सत्संग रूपी व्हाट्सएप डाल ही तो रही हूँ। कोशिश यही है कि तुम्हारा संस्कार टूटे बस, क्योंकि संस्कार के कारण कर्म बंधता है, और बंधा हुआ कर्म जब उदय में आता है तो वापस उस जाति का ही कर्म बंधा के जाता है। संस्कार के कारण कर्म बंधता है और बंधा हुआ कर्म जब वापस उदय में आता है तो वापस वैसा उसी जाति का कर्म नया बंधा के जाता है। और इस चक्र में से कौन निकाल सकता है हमें, मात्र जागृति। जागृति, तुम्हें जागृत रहना है। 58 बार के सत्संग ऊपर हुए लेकिन एक चिट्ठी आई कि नहीं अब नीचे सत्संग है, तुम्हारी जागृति थोड़ी इंटेंस हुई होगी, गहन तुम्हारी जागृति में गहनता आई होगी तो तुम्हें बिल्कुल याद होगा। लेकिन यदि तुम्हारी जागृति में गहनता नहीं है, तुम ऊपर जाओगे फिर याद आएगा। जैसा लोगों को होता है ना, क्रोध के समय में क्रोध कर लिया फिर याद आया, अरे रे 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 क्रोध क्यों किया। झूठ के समय में झूठ बोल लिया फिर याद आता, अरे रे रे क्यों। लेकिन अध्यात्म शास्त्र कहते हैं, हाँ तुम फेल हो गए, दोबारा परीक्षा दो, दोबारा हम प्रसंग भेजेंगे, तुम दोबारा परीक्षा देना। धर्म कहता है, देखो धर्म शास्त्र ये कहेंगे चलो पश्चाताप किया ना, अच्छा किया। लेकिन अध्यात्म शास्त्र कहता है कि तुम्हें आत्मा के और निकट भेजना था, जागृति के परम प्रदेश के अंदर भेजना था, उसमें तो हम नहीं भेज पाए तो दोबारा परीक्षा देनी होगी। धर्म शास्त्र जिसे अच्छा देखते हैं, अध्यात्म शास्त्र उसी में तुम्हें क्रॉस देकर तुम्हें री एग्जाम के लिए वापस तैयार करते हैं। इसलिए अध्यात्म यही कहता रहेगा, जो तुम्हारी जागृति है वही तुम्हारे कर्म के संस्कारों को तोड़ेगी। और ये कर्म बंधते कैसे हैं, संस्कारों से तोड़ना कैसे है, उसका कारण क्या, उसका निवारण क्या, उसका परिणाम क्या, यही सब कुछ हम लोग अभी देख रहे हैं। श्रोत्राध्ययन सूत्र अध्ययन 33 कर्म प्रकृति के अंदर तुम लोग अच्छे से याद रखना, हम लोगों ने उत्तराध्ययन सूत्र के कितने कितने अध्ययन किए, कौन कौन से अध्ययन में मुख्य रूप से क्या क्या बातें थी। इस अध्ययन के अंदर ज्ञानवर्णीय आदि 8 कर्मों की मुख्य रूप से बात चल रही है। कुल मिलाकर 25 श्लोक है, 25 श्लोकों के अंदर 4 विषयों की पूर्ति की है। कर्मबंध के प्रकृति क्या है, कर्मबंध का प्रदेश कैसा होता है, कर्मबंध का अनुभाग कैसा, और कर्मबंध की स्थिति कैसी। हमारी बात अभी कर्मबंध की प्रकृति पर चल रही है, जिसके विषय को लेकर 4 से लेकर 15 तक के श्लोक हैं। एक बार श्लोक का रिसाइटल कर लो, उसके बाद विषय के अंदर प्रवेश करते हैं। चार से नाणावरणं पंचविहं
सुयमाभीणि बोहियम ओहि नाणम तैयम मण नाणम च केवलम निदात हेव पयला निदानिदाय पयल पयलाय तत्तो यथिन गिद्धियो पंचमाहो ये नायवा चक्कु मचक्कु ओहिस दंसने केवले य आवरणे एवं तु नव विकप्पम नायवं दंसनावरणम वेयणियं पीयदु विहम सायं सायं च आहियं सायस उबहुभेया इमेव असायस वे मोहणि चंपि दुविहं दंसणे चरणे तहा दंसणे तिविहं वुत्तम चरणे दुविहं भवे समं तचेव मिच्छतम सम्मामिच्छक्तमेव य इयाउ तिन्नीपयणियो मोहणिच्च सदंसणे चरितामोहणं कमं दुविहं तु वियाहियं कसाय मोहणिच्चं तु नो कसायं तहेव य सोलसवीह भेणं कमं तु कसायजं सत्तविहं नवविहं वा कमं तु नो कसायजं नीरय इतिरिख नीरय इयतिरिखाओ मनुसाओ तहेव य देवा उयं चौथमतु आउ कमं चौ विहं नामं कमं तु दुविहं सुहं सुहं च आहियं सुहस उबहुभेया इमेव असुहसवि गोयं कमं दुविहं उच्चं नियं च आहियं उच्चं अट्ठविहं होइ एवं नियं पि आहियं दाणे लाभेय भोगेय उवभोगे विर्येतः पञ्चविहं अन्तरायं समासेन विहाहियं इयावो मूलपयणीयो उत्तराओय आहिया पये सकं खेतकालेय जागृति जितना आईपैड में है सारा नहीं गा डालना था। जागृति परीक्षा लेते हैं ये कर्म के उदय। इतना सुंदर गाने का पारायण का अवसर मिला लेकिन ये अवसर भी परीक्षा है। कितनों को याद रहा कि ये गलत मतलब दूसरों के दोष देखने में हम लोग वैसे भी बड़े आतुर होते हैं लेकिन फिर भी यह जागृति का कमाल है कि हमें ख्याल रहा 15 पे अटकना है। चलो पिछली बार हमने जो देखा था चौथा जो श्लोक है ज्ञानावरण 5 प्रकार का है। श्रुत ज्ञानावरणीय अभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय अवधि ज्ञानावरणीय मनो ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय। और 5वें श्लोक में है निद्रा प्रश्ला निद्रा निद्रा प्रश्ला प्रश्ला स्यान ग्रद्धि। 6ठे में चक्षु दर्शनावरणीय अचक्षु दर्शनावरणीय अवधि दर्शनावरणीय और केवल दर्शनावरणीय। इस प्रकार दर्शनावरण 9 प्रकार का है। ये जितने भी शब्द हैं सारे
यहाँ लिखा दिए हैं इन तीन श्लोक के अंदर जो जो बातें हैं आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे। पिछले सत्संग के अंदर हमने देखा था ज्ञानावरणीय कर्म किस प्रकार से बंधता है, क्या उसके परिणाम आते हैं और किस प्रकार से उससे निवृत्ति ली जा सकती है। हमने ग्रॉस देखा था सब कुछ, मेनली ज्ञानावरणीय कर्म। आज हम ज्ञानावरणीय कर्म की जो पांच प्रकृतियां लिखी है, मति ज्ञानावरणीय, श्रुति ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मनोपर्यव ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय, इनकी विशेषता से देखेंगे। वो जो छः बताई थी लास्ट टाइम, छः बताए थे ना, वो तो है ही है, लेकिन उसके उपरांत भी क्या करने से ये कर्मों के बंध होते हैं। दो शब्द होते हैं जैन दर्शन में कर्म संबंधित, एक ज्ञान और दूसरा दर्शन। पहले इन दोनों को समझ लो। लगभग कहा जाता है ऐसा कि ज्ञान और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, दूसरे के बिना पहले का कोई, तुम्हारी 2000 की नोट में पीछे का ना छपा हो तो आगे का कोई वैल्यू रखता है, या आगे का हो और पीछे का ना हो, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। इसलिए दोनों इकट्ठे ही चलते हैं, एक सिक्के के दो पहलू रूप में होते हैं। जहाँ ज्ञान है वहाँ दर्शन है, जहाँ दर्शन है वहाँ ज्ञान। इन दोनों शब्दों का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है ये अभी अच्छे से समझ लो, क्योंकि कोई भी जैन शास्त्र पढ़ोगे या कर्म सिद्धांत पढ़ोगे उसमें ज्ञान और दर्शन शब्द बार बार उपयोग में आएंगे। दर्शन कहा जाता है वस्तु के सामान्य बोध को और ज्ञान कहा जाता है वस्तु के विशेष बोध को। ये दो शब्द हैं। जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी है, ये घड़ी है, इतना मात्र जानना ये दर्शन कहा जाता है। दो प्रकार से बोध होता है, एक दर्शन से बोध होता है, एक ज्ञान से बोध होता है। यह घड़ी है, ये पेन नहीं है, ये पेपर नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, ये फोन नहीं है, ये घड़ी ही है। ये दृढ़ता पूर्वक निर्णय होना ये दर्शन का कार्य है, दृढ़ता पूर्वक। अब ये कौन सी घड़ी है, क्या ब्रांड है इसकी, इसके अंदर का मैकेनिज्म कैसा है, इसके इसकी वारंटी पीरियड कितनी है, इसका दाम कितना है, ये कहाँ से लिया गया है, ऐसे अलग 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 कितने विषय हो सकते हैं, असंख्य असंख्य विषय हो सकते हैं, उन सब की जानकारी होना इसे ज्ञान कहते हैं। दो शब्द, दर्शन यानी वस्तु का सामान्य बोध होना, सामान्य, सामान्य मतलब समान रूप से जो सबके लिए एक है, सामान्य का मतलब ये होता है, सामान्य मतलब कॉमन नहीं है, सामान्य मतलब ये घड़ी है तो सभी के लिए घड़ी ही है ना, कि कोई इसको पेन कह सकता है कि कोई उसको कुछ भी कह सकता है, घड़ी है मतलब समान रूप से हर कोई इसको घड़ी कहेंगे। लेकिन इसका भाव कोई 20,000 कह सकता है, कोई 30,000 कह सकता है, कोई 50,000 कह सकता है, कुछ भी भाव कह सकता है कि नहीं, अलग अलग देशों में इसका कोई भी भाव रखा जा सकता है कि नहीं। तो दर्शन जो होता है वो सामान्य, जो सबके लिए समान ही दिखेगा, ये जो चित्रपट है ये चित्रपट ही है, इसको तुम और कुछ नहीं कह सकते, चित्रपट ही कहोगे, इसको तुम पेंटिंग नहीं कह सकते, किसी ने पेंट नहीं किया, फोटो खींच के इसको लैमिनेट कराया या पता नहीं क्या जो भी कराया, पेंटिंग नहीं कह सकते। तो इसका सामान्य बोध होना कि चित्रपट है, पेंटिंग नहीं है, स्केच नहीं है, ड्राइंग नहीं है, सामान्य बोध होना ये दर्शन का काम है। लेकिन विशेष जानकारियां होना कि इसको कहाँ पे कराया जी, आपने कहाँ कराया प्रकाश बाबू, इसको कहाँ बनवाया, प्रीतमपुरा में, ठीक है प्रीतमपुरा में कहीं बनवाया इन्होंने, कितने का बनवाया, कितने दिन में बना के दिया, ये सब भी तो प्रश्न हो सकते हैं, कब बनवाया, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले, ये जितना भी विषय है सब ज्ञान का विषय। ये बात समझ में आती है क्लियर, वस्तु का सामान्य बोध, ये स्पीकर है मतलब स्पीकर है, सभी को ये बोध समान रूप से होगा, कोई इसका भाव 2000 कहेगा, कोई 5000, कोई 10000, कोई कुछ भी भाव कह सकता है, कोई कहेगा ये इस कंपनी का है, कोई कहेगा उस कंपनी का है। ज्ञान के अंदर अलग अलग भेद पड़ते हैं, दर्शन अभेद होता है, इसलिए जैन दर्शन में आत्मा की अनुभूति को सम्यक दर्शन बोला जाता है, सम्यक ज्ञान नहीं बोला जाता। बात समझ में आ रही है, दर्शन यानी वस्तु का सामान्य बोध। ये पुस्तक है तो इसे हर कोई पुस्तक ही कहेगा, कॉपी है मेरी, इसे हर कोई कॉपी कहेगा, इसको तुम बुक नहीं कह सकते, नोटबुक भले कहो बुक नहीं कह सकते, इसको तुम और कुछ भी नहीं कह सकते, कॉपी है मतलब कॉपी है। किसकी है इसके विषय में मतभेद हो सकते हैं,
गलत फहमियाँ हो सकती है, लेकिन ये कॉपी है इस विषय में तो गलत फहमी कभी नहीं होगी ना। ये कॉपी है मतलब कॉपी है। कॉपी होने का जो बोध है उसे दर्शन कहा जाता है। किसकी कॉपी है, कैसी है, क्या लिखा है, कितने की है, कब खरीदी थी, कब किसको आगे वारिस कौन है इन किताबों का, ये सब इसके ये अलग अलग ज्ञान के अलग अलग भेद हैं। ये ज्ञान का काम है। ये दो क्लियर कर लो। ज्ञानावर्णीय यानी अलग अलग विशेषता उनका ज्ञान होना, और दर्शना का ज्ञान होने में बाधा, आवरण है इसलिए बाधा होना, और दर्शनावर्णीय मतलब सामान्य रूप से भी वस्तु को वस्तु रूप नहीं जान पाना। इसलिए हम जब कर्म विषयक बात करते हैं तो आत्मा को नहीं जानने में सम्यक दर्शन की बात आती है। सामान्य रूप से तुम आत्मा हो यही नहीं जान पाते, नहीं जान पा रही है, दर्शनावर्णीय का प्रभाव है। फिर इसके अंदर कितना कितना ज्ञान है अलग अलग ढंग से, अलग अलग पर्यायों का ज्ञान, अलग अलग गुणों का ज्ञान, अलग अलग अंशों का ज्ञान, कितना सारा ज्ञान है। ये ज्ञान का काम है, वो भी आवृत है, इसलिए ज्ञानावर्णीय भी आवृत है। इसलिए ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय दोनों कर्म एक साथ चलते हैं, अलग अलग कभी नहीं हो सकते। हमेशा कहा ऐसा जाएगा कि सम्यक दर्शन होता है पहले, उसके बाद ही ज्ञान सम्यक होता है। तुम कहोगे तो अभी हम सब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब ज्ञान की सभा लगती है, हम इतना पढ़ते हैं, हम इतना समझते हैं, आप इतना समझाते हो, हम लोग उसकी पुनरावृत्तियां करते हैं, बार बार पढ़ते हैं। ये ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाएगा, ये ज्ञान है, ये सम्यक दर्शन तक पहुंचने का मार्ग है, जरूर है, लेकिन अभी ये ज्ञान सम्यक नहीं है। अगर सम्यक दर्शन तक पहुंच गए तो ये सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन तक नहीं पहुंचते, यानी तत्व का, वस्तु का, आत्मा का, तुम्हारी सोल का जो सामान्य बोध है कि मैं आत्मा हूं, ये तुम्हें नहीं होता, तब तक ये सारा ज्ञान मात्र ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं है। अभी इन दो विषयों पर हमारी बात चल रही है, एक है ज्ञानावर्णीय कर्म और दूसरा है दर्शनावर्णीय कर्म, यानी जो हमारी ज्ञान शक्ति को जानने में बाधा पहुंचाती है, वस्तु का विशेष बोध नहीं होने देती, और दूसरी तरफ है दर्शनावर्णीय कर्म जो वस्तु का सामान्य बोध भी नहीं होने देती। मैं आत्मा हूं ये बोध भी कहां होता है तुम्हें, भी बोध ज्ञान अंदर में हम ठूस रहे हो बात अलग है, लेकिन ये बोध कहां है, मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं, ये धन संपत्ति मेरे नहीं है, मेरी धन संपत्ति तो मेरे भीतर शाश्वत काल से पड़ी है और अनंत काल तक, शाश्वत काल तक रहने वाली है, ये बोध होता कहां है। इसलिए दर्शनावर्णीय का कार्य है जो सामान्य सभी को समान रूप से जो बोध हुआ हो, जितने लोग भी सिद्ध दशा को प्राप्त हुए, अरिहंत दशा को प्राप्त हुए, शुद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, जितने, उन्होंने ये तो जरूर जाना होगा कि मैं आत्मा हूं, यानी उनका दर्शन सबका सेम होगा, लेकिन उनके ज्ञान में डिफरेंसेस हो सकते हैं। किसी को जगत का सब कुछ पता है, किसी को सारे शास्त्र पता है, कोई कुछ बोला उसमें से सारे शास्त्र निकल कर बाहर आ गए, किसी को कुछ भी नहीं पता, एक भी शास्त्र का एक शब्द भी नहीं पता, कोई भी भेद हो सकते हैं, उनके ज्ञान की स्थितियों में भेद हो सकता है, लेकिन दर्शन सबका समान होगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि जैन दर्शन के बड़े ही अनमोल शब्द हैं और इन्हें समझने में लगभग लोगों ने गड़बड़ की है, लगभग। दर्शन क्या है, वस्तु का सामान्य बोध होना दर्शन कहलाता है। ज्ञान क्या है, वस्तु का विशेष बोध होना ज्ञान कहलाता है। बोध दो ढंग से होता है, दर्शन से और ज्ञान से। दर्शन यानी वस्तु का सामान्य बोध जो सबके लिए एक जैसा होगा, समान है ना, सामान्य वर्ड आया, सबके लिए समान होगा, वो दर्शन है। और जो विशेष विशेष अलग अलग जिसकी जैसी प्रज्ञा होगी, कोई डिजाइनर होगा वो इसका डिजाइन देखेगा, कोई टेक्नीशियन होगा वो इसके अंदर की मशीनरी देखेगा, है कि नहीं, किसी को एलर्जी होगी तो वो इसका एलर्जी कंटेंट देखेगा कि ये सच में टाइटेनियम की है, प्लेटिनम की है, कि क्या है। तो जिसका जो रस होगा वो इस घड़ी में से वो चीज ढूंढ लेगा। वो है काम, वो बोध लेने का काम कौन कर रहा है, ज्ञान। समान बोध रहेगा दर्शन, विशेष बोध रहेगा ज्ञान। ज्ञानावर्णीय कर्म की पांच उत्तर प्रकृतियां हैं,
श्रुत ज्ञानावर्णीय, मति ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मनःपरव ज्ञानावर्णीय और केवल ज्ञानावर्णीय। इससे पहले हमने देखा था जो छः पॉइंट्स, बस मैं ब्रॉडली वो छः पॉइंट्स बता दूं। ज्ञानावर्णीय कर्म बंधता कैसे है, ज्ञान का अपमान करने से, फिर उसके कुछ पॉइंट्स बताए थे। दूसरा, ज्ञानी का अपमान करने से, उसके चार पॉइंट बताए। फिर तीसरा, ज्ञान को छिपाने से, उसके तीन पॉइंट बताए। फिर चौथा बताया, ज्ञान दाता का नाम छिपाने से, ऊपर वो घूमता था ना, कौन था, नाई था ना, उसके ऊपर सब कुछ घूमता था। फिर पांचवा बताया, ज्ञान प्राप्ति में विघ्न उपस्थित करने से। और छठा बताया, ज्ञान का दुरुपयोग करने से। तुमने इन सबकी क्षमापना करी कि नहीं करी, हाँ कि ना? नहीं तो मैं कराऊं तुम्हें, साथ में करते हैं। हाँ हाँ, बस मुझे पता था। ठीक है, आज कोशिश करते हैं दर्शन और ज्ञान की इकट्ठी क्षमापना लेने की। ज्ञानावर्णीय कर्म का फल भोग हमने देखा था कि उसका क्या क्या किस प्रकार से उदय में आता है। श्रोत का आवरण आ जाता है, विज्ञानावर्णीय नेत्र का, नाक का, जीभ का और स्पर्श का, सबका ज्ञान और विज्ञान दोनों आते हैं। और इनके कर्म के निवारण के भी जो छः ढंग थे, सात ढंग थे, हमने देखे थे। ज्ञान का बहुमान होना कैसे जाएगा वो, दूसरा ज्ञानी का बहुमान होना, उनके प्रति अहोभाव होना, तीसरा ज्ञान को बांटना, चौथा ज्ञान दाता का नाम कभी भी छुपाना नहीं, पांचवा ज्ञान प्राप्ति में किसी के विघ्न नहीं डालना, छठा ज्ञान का सदुपयोग करना और सातवां किए हुए ऐसे कोई भी हमने किया है तो उसकी आलोचना, निंदा, क्षमापना आदि करना। ये हमने सात बातें देखी थी। इसके उपरांत ये तो रहेगा ही, छह जो हमने पहले देखे, ज्ञानावर्णीय बंधता कैसे है, उसके उपरांत अब हमारी मुख्य बातें आएंगी, मति ज्ञानावर्णीय कैसे बंधता है। मति ज्ञानावर्णीय होता क्या, मति ज्ञान क्या होता था, हमने अभी पिछले उसमें देखा था चैप्टर में, मति ज्ञान क्या होता है बोलो। हाँ, मन और इंद्रिय द्वारा वस्तु का निश्चित बोध होना, उसे मति ज्ञान कहते हैं। मन और इंद्रिय के द्वारा किसी भी वस्तु का निश्चित ज्ञान होना, ये घड़ी है, मन चाहिए इसके लिए, इंद्रिय चाहिए। मन और इंद्रिय द्वारा किसी भी वस्तु का निश्चित ज्ञान होना, इसे मति ज्ञान कहते हैं। इस निश्चितता के ऊपर जो आवरण ले आए, उसे मति ज्ञानावर्णीय कहेंगे। बात समझ में आ रही है? थोड़ा टफ लगे आज, कारण के घना दिवसों पची सांभ छो, थोड़ा टफ लगेगा। मन इंद्रिय के माध्यम से, इस घड़ी को घड़ी रूप जानने में इंद्रिय की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है। मन इंद्रिय से जो ज्ञान हम लेते हैं उसको क्या कहते हैं, मति ज्ञान। और ये मन इंद्रियों से भी वस्तु का सामान्य बोध नहीं हो पाता, सामान्य नहीं, विशेष बोध, ज्ञानावर्णीय चल रहा है ना, विशेष बोध नहीं हो रहा, यानी मति के ऊपर ज्ञान का आवरण है। इसे ये ज्ञान का आवरण क्या, इसका परिणाम क्या आता है, जब तुम्हारे अंदर मति ज्ञानावर्णीय कर्म बनता है तो उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या आता है। नंबर वन, एकाग्रता की कमी होती है, होती है तुम में। तुम लोग खाली परिणाम से चेक कर सकते हो, किसी भी विषय पर फोकस नहीं कर सकते। तुम्हारा मनपसंदा विषय होगा ना तो भी फोकस ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे, थोड़ी देर अच्छा लगेगा लेकिन ज्यादा देर तक तुम फोकस नहीं कर सकते। ये मति ज्ञानावर्णीय कर्म का परिणाम है। दूसरा, निर्णय शक्ति मंद होती है, निर्णय शक्ति, कभी भी डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, ये करूं कि ये करूं, ऐसे करूं कैसे करूं, इसको पूछूं कि उसको पूछूं, यहां जाऊं कि वहां जाऊं, निर्णय शक्ति के अंदर गड़बड़ है। ये मति ज्ञानावर्णीय कर्म का परिणाम है, अभी परिणाम हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड, जानने की क्षमता कम हो जाती है। किसको जानने की, तुम कोई भी प्रवृत्ति कर रहे हो उसका क्या परिणाम आएगा, ये जानने की क्षमता ही नहीं रहती। समझ पा रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुरंत ही तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें पता तो चलता है इस झूठ का परिणाम गलत ही आएगा, लेकिन जब मति ज्ञानावर्णीय कर्म का हमारे ऊपर आवरण होता है, यानी मति ज्ञान का आवरण होता है, तो होता क्या है, तुम कोई भी प्रवृत्ति करते हो तो उसके परिणाम के बारे में सोच ही नहीं पाते, करते हो, मूर्छा इतनी आ जाती, कर लेते हो। जो सच में एक साधक वृत्ति का होता है ना, पाप भीरू, उसके लिए एक शब्द दिया है शास्त्र में, वो पाप भीरू होता है, यानी पाप करते हुए अटकता है, डरता है, क्योंकि तुरंत उसको पता चलता है मैं ये पाप करूंगा तो इसका परिणाम कैसा आएगा,
किस प्रकार से मुझे भुगतना पड़ेगा, मैं किसी को यत्ना दे रहा हूँ तो मुझे कैसे यत्ना मिलेगी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर चलती है। लेकिन जब मति ज्ञानावरणीय का जबरदस्त उदय होता है तो कोई भी गलत कार्य करने पर उसको ध्यान ही नहीं आता कि इसका परिणाम कैसा होगा। ठीक है, तो पहला परिणाम क्या है इसका, एकाग्रता कम होती है। होती है तुम में? यस यस करते जाना, हो तो हाँ। दूसरा, निर्णय शक्ति कम होती है, निर्णय नहीं कर पाते। तीसरा, जानने की क्षमता कम होती है। और चौथा, स्मरण शक्ति मंद होती है। तो सभी को प्रॉब्लम होगा, याद ही नहीं रहता कुछ भी, कितनी बार बिन प्रभु समझा दे, वापस समझाते ना तो वापस लगता है ये कहाँ एकदम नया नया बोल रहे हैं। कितने लोग सत्संग जब दूसरी बार तीसरी बार घर में देखते हैं ना तो कहते हैं कि बिन प्रभु जो हमने सत्संग में देखा ना, ऐसा लगा वो आपने सच में तो बोला ही नहीं था सत्संग में। कहते हैं ना आप लोग कि सत्संग जब लाइव था तब तो आपने ऐसा बोला ही नहीं था कुछ। तो पीछे से कोई रिकॉर्डिंग और एडिटिंग नहीं होती है, पीछे से खाली ध्यान को निकाला जाता है जब निकालना हो, बाकी जो शब्द है वो तो एज इट इज आते हैं। लेकिन स्मरण शक्ति मति ज्ञानावरण इतना जबरदस्त है कि तुम्हें याद ही नहीं है कि चार दिन पहले ही तुमने सुना है। गॉट इट? तो मति ज्ञानावरणीय का परिणाम क्या होता है, एकाग्रता मंद, निर्णय शक्ति मंद, जानने की क्षमता क्षीण हो जाती है और स्मरण शक्ति मंद हो जाती है। इनका कारण क्या है, ये मति ज्ञानावरण बंधता कैसे है? तो ज्ञानावरणीय के छह जो वो थे वो तो है ही है, ज्ञान का अपमान, ज्ञानी का अपमान, ये सारा तो है, ज्ञानदाता का नाम छुपाना। उसके उपरांत क्या है, उसके उपरांत मन व पांचों इंद्रियों द्वारा पदार्थों के प्रति राग द्वेष मोह आसक्ति। दोबारा बोलती हूँ, मन और पांचों इंद्रिय द्वारा, क्योंकि मन और इंद्रिय का विषय चल रहा है ना, मति ज्ञान क्या है, मन और इंद्रिय से वस्तु का विशेष बोध होना, ये मति ज्ञान है। तो जब तुम्हारा तुम्हारे मन और इंद्रिय विशेष रूप से पदार्थों के प्रति राग द्वेष और आसक्ति में है, उसके कारण मति ज्ञानावरणीय होता है। सो ऑब्वियस इजंट इट? ये तो अब तुम हाँ हाँ कह रहे हो, लेकिन पहले सोचा होगा अरे क्या कारण होगा, यही कारण है इसके। मति ज्ञानावरणीय बंधता ही इसलिए है क्योंकि मन और इंद्रियां पदार्थों के प्रति अत्यंत आसक्ति से भरी है, अटैचमेंट से, अत्यंत राग भाव से भरी है यानी वो मुझे सुख दे देंगे, अत्यंत द्वेष भाव से भरी है कि वो मुझे दुख दे देंगे। इस कारण से मति ज्ञानावरणीय कर्म बनता है और उसका परिणाम क्या आता है, एकाग्रता की कमी, निर्णय शक्ति की कमी, जानने की क्षमता की कमी और स्मरण शक्ति की। सारी कमियां तो भरी पड़ी है, पूरी कमियों का स्टॉक हमारे पास है। दूसरा, इंद्रियों का दुरुपयोग करने से, इंद्रियों का दुरुपयोग। तुम्हें कान मिले थे सुनने के लिए कि तुम सुनो और उसके बाद आत्मा अनुभूति के मार्ग को समझकर आगे बढ़ो, तो मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए था, उसके बदले हमने उन कानों का उपयोग किस में कर डाला, दूसरी दूसरी बातों में। और ये होता ही जब तक सत्पुरुष ना मिले। जब तक सत्पुरुष नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारे इंद्रियों और मन का दुरुपयोग चलता ही रहेगा। इसलिए श्रीमद जी जो कहते हैं कि सद्गुरु और सत्संग के बिना तो कार्य शुरू ही नहीं होता, बिल्कुल प्रामाणिक बात है, क्योंकि उससे पहले तुम्हारे इंद्रियों और मन का सतत दुरुपयोग चल रहा था। और दुरुपयोग चल रहा था मतलब मति ज्ञानावरणीय कॉन्स्टेंटली तुम्हें लग रहा था, और वो लग रहा था तो वस्तु का विशेष बोध होने की क्षमता तुम्हारे अंदर विकसित ही नहीं हो रही। तीसरा, अशुभ विषयों में मन को प्रवृत्त करने में, इंद्रियों का तो दुरुपयोग किया, कान से बेकार सुना, आँख से बेकार देखा, नाक से बहुत गंध के प्रति आसक्ति रही हो, जीभ तुम्हारी खाने आदि के प्रति लोलुप हो, लेकिन उसके आगे कहते हैं मन हमेशा अशुभ विचारों के अंदर ही खोया हुआ हो, हाय रे अब 500,000 का क्या होगा, हाय रे अभी तो आज तो तुम्हें एक नया ऑप्शन मिला कि नहीं, लेकिन अभी तुम्हें इस ऑप्शन को स्वीकार नहीं करना होगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आज तुम्हें एक नया ऑप्शन मिला कि हम अपने 500,000 का ये कुछ कर सकते हैं, तुम लोग इतने सीरियस हो गए हो ये बात को सुनते ही, लेकिन अभी भी तुम्हारा मन क्या कहेगा, नहीं, मन को अशुभ विषय में ही लगाना, कैसे इसका प्रयोग करें, कैसे उपयोग करें, कैसे कन्वर्ट करें, ये तो पैसों की बात छोड़ो एक साइड, बाकी मन हमेशा अशुभ विषय में है कि नहीं है।
सदगुरु और सत्संग को जीवन में से माइनस कर दे अगर, तो मन में शुभ विषय, शुभ विचार करने की जगह कितनी है तुम्हारे, कितनी है? पूरा दिन में शुभ विचार करोगे कैसे? अभी थोड़े दिन पहले कोई मुझे मिलने आया था, मीटिंग थी उसकी, और मुझसे कह रहे थे कि कुछ बात हुई, मैंने कहा घर में मम्मी पापा लोग आते क्यों नहीं है, कुछ ऐसे ही बात चली, तो बोले मेरी मम्मी ऐसा बोलती है कि तुम्हारे प्रभु जी के पास ना करोड़ों रुपए हैं और वो ये कार्य करे ना तो ठीक है, हमें तो अभी पैसे कमाने हैं। बात ठीक है, हो सकती है ऐसी ऐसा कोई कारण होगा। मैंने उसको यही कहा कि अपने उन जो भी लोग तुम्हें ऐसा कहते हैं, मम्मी डैडी जो भी, उनको बस इतना कहना कि संपत्ति आती कहाँ से है। उसी से पूछा तो उसने कहा संपत्ति आती है अच्छा काम करने से। कहा अच्छा काम करोगे कैसे? तो उसी ने जवाब दिया अच्छा सोचेंगे तो अच्छा काम करेगा। अच्छी सोच आएगी कहाँ से? तो उसी ने कहा सत्संग से। तो सत्संग में आना तो यूं भी जरूरी हो गया। समझाया था कि नहीं तुमको? ये पूरा समझाया मैंने, उसको एकदम बात क्लिक हुई, पता नहीं उसकी मम्मी को क्लिक हुई कि नहीं, लेकिन उसको, वो तो ऑलरेडी सत्संग में आता है, लेकिन उसकी मम्मी को, उसके डैडी को, अब सीधा तुम बोल दोगे ये तुम्हारा मन सतत अगर सत्संग में नहीं आता तो तुम्हारा मन सतत अशुभ सांसारिक विचारों में ही प्रवृत्त है। सत्संग कम से कम दिन में 2 घंटे तो देगा कि तुम्हारा मन कुछ शुभ में प्रवृत्त हो, वरना इस वेवलेंथ में, इस कंटिन्यूटी में तुम शुभ सोच ही नहीं सकते। सोच सकते हो क्या? अभी तुम 2 घंटे कंटिन्यूसली शुभ सोच रहे हो, सोचने पर मजबूर हो ऐसा कहा जाए, सुनने पर मजबूर हो, और सोचने की तो जगह ही नहीं है, लेकिन जैसा सुनते हैं वैसा ही सोचना हमारा चल ही रहा होता है, चाहे हमें पता हो चाहे ना हो। हम जो सुनते हैं उसके अनुरूप ही माइंड सोचता है, भले तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें लगता है अभी तुम कुछ सोच ही नहीं रहे। नहीं, शास्त्र कहते हैं, साइकोलॉजी कहती है, मनोविज्ञान कहता है, तुम जैसा सुनते हो उसके अकॉर्डिंगली पैरेलल सोचना चलता है। पैरेलल, एक ही समय में सोचना चल रहा है, भले तुम्हें पकड़ में नहीं आता। तुम पिक्चर देखते हो तब तुम्हें लगता है हम थोड़ी सोच रहे हैं कुछ, हम तो खाली सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन पैरेलल उतने समय में पिक्चर अनुरूप बातें चलेगी। सत्संग के बिना कहाँ ऐसा समय है जब तुम्हारा मन अशुभ विचारों में ना हो। इसलिए यहाँ मति ज्ञानावरणीय के कारण 3 बताए, मन और इंद्रियों द्वारा पदार्थों के प्रति राग द्वेष मोह आसक्ति, दूसरा इंद्रियों का दुरुपयोग करना, और तीसरा मन को अशुभ विषय के अंदर लगाए रखना। इसके कारण परिणाम क्या आता है तुम्हें पता चला, और ऊपर के 6 तो हैं, हाँ उनको मत भूलना, जो पहले जो 6 थे वो। निवारण क्या होगा? सो सिंपल, मन और इंद्रियों में से पदार्थ के प्रति का मोह राग द्वेष आसक्ति कम करो। सिंपल होते हैं इसके पर, इसके जो निवारण होते हैं, कैसे उसको निकाला जाए, इससे निवृत्त किया जाए, सो सिंपल, जो है उससे अपोजिट चलेंगे। दूसरी बात, इंद्रियों का दुरुपयोग करते थे इस कारण मंदा, तो इंद्रियों का सदुपयोग करो। सदुपयोग कराने में भी सत्संग आदि साधन काम में आते हैं। तुम्हें सेवा करनी है तो कुछ आयोजन होगा तब तो सेवा करोगे, आंख से, नाक से, कान से, हाथ से, लेकिन अगर कोई आयोजन ही नहीं होगा तुम सेवा कैसे करोगे? इसलिए कोई ना कोई आयोजन सत का हो तो वहां पर ये सब निवारण होते हैं, और अशुभ विषयों में मन को प्रवृत्त नहीं करके। ये मति ज्ञानावरणीय कर्मबंध के परिणाम, कारण और निवारण, 3 चीजें हमने देखी। परिणाम में 4 बातें, कारण में 3 और निवारण में भी 3। और कारण और निवारण में वो 6-6 तो रखना ही है, वो तो है, उसके अलावा स्पेशल क्या है तो वो हमने बताया। दूसरा श्रुति ज्ञानावरणीय, श्रुति ज्ञानावरणीय, मति ज्ञानावरणीय का इन्होंने इसमें दूसरा नाम भी लिखा है, अभिनिबोधिक, वो हमने पहले भी देखा था, उसको ये भी कहा जाता है। श्रुत ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञान का मतलब क्या होता है? शब्द को सुनकर जो अर्थ का ज्ञान होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। शब्द को सुनकर, ये घड़ी है, घड़ी सुनकर, तुमने देखा भी नहीं है, लेकिन घड़ी शब्द को सुनकर तुम्हें उसका अर्थ का ज्ञान हुआ कि नहीं, हाँ कि नहीं? यह चित्रपट है, तुमने देखा भी नहीं, लेकिन शब्द सुनकर अर्थ का ज्ञान हो जाए, उसे मति ज्ञान कहते हैं। सुनकर या पढ़, हाँ सॉरी, श्रुत ज्ञान, सॉरी, श्रुत ज्ञान, पढ़कर भी, सुनकर भी, इन्होंने पहले केवल श्रवण परंपरा थी इसलिए इन्होंने श्रुत ज्ञान लिखा था, लेकिन अब तो हम सुनकर और पढ़कर भी ये बोध लेते हैं ना, खाली पढ़कर तुम्हें ख्याल आ जाए, अच्छा सागर यानी उसको कहा जाता है, तो ये
हमारा शुद्ध ज्ञान कर्म है, लेकिन इसके ऊपर आवरण आ जाए, तुम पढ़कर भी वस्तु का विशेष बोध नहीं ले पाते, ये श्रुत ज्ञानावरणीय है। तुम सुनकर भी बात का सही मतलब नहीं निकाल पाते, बात का आशय नहीं पकड़ पाते, ये क्या है? श्रुत ज्ञानावरणीय। और ऐसा स्वाभाविक है, एक ही सभा के अंदर जितने साधक बैठे हो, जितने श्रोता बैठे हो, एक ही मैं बात कर रही हूं, लेकिन हर कोई अलग अलग अर्थ निकालेगा कि नहीं? हर कोई, तो वो अपनी अपनी श्रुत ज्ञानावरणीय के कारण अलग अलग अर्थ निकालेगा। परिणाम क्या होता है श्रुत ज्ञानावरणीय का? सामान्य चेष्टा से होने वाला ज्ञान भी नहीं होने देता, जो बड़ी सिंपली समझ में आ सके वो ज्ञान हमें नहीं होता। कुछ बातें जो मुझे लगता है कितनी सिंपल है, इसका मीनिंग तो यही होगा ना, कर्म योग तो यही होगा ना, वो मैंने ये ज्ञान किसको दिया? सूर्य को। सूर्य ने वैवस्वत को, वैवस्वत ने मनु को, मनु ने, हाँ 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 पूरा याद है, इक्ष्वाकु से पहुंचा राज ऋषियों पर, और फिर तुम हो गए पते, तुम और हम सारे तभी यहाँ बैठे हैं। तो ये कितना सामान्य था कि इसका अर्थ मेरे लिए समझना, मेरे लिए इसका समझना यही था जो मैंने तुम्हें उस दिन समझाया, लेकिन ये अर्थ कोई लोग समझ ही नहीं पाते। कितने उस वीडियो के ऊपर कमेंट्स आ गए कि प्रभु मुझे दिखा रहे थे कि इतने कमेंट्स है कि ऐसा तुमने कभी समझा ही नहीं है। तो वो क्या कारण क्या है कि वो नहीं समझ पाए, वो नहीं सोच पाए? और एक यहाँ बैठे हमने सोच समझ लिया, श्रुत ज्ञानावरणीय मंद है, श्रुत ज्ञान प्रगाढ़ है, या तो हम ये भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं श्रुत पर ज्ञान का आवरण, श्रुत ज्ञान पर जो आवरण है वो इतना मंद है कि जो बात जिस आशय से कही है ना, उस आशय को पकड़ पाते, ये परिणाम होता है। और दूसरा, दीर्घ दृष्टि, भविष्य का चिंतन करने की दीर्घ दृष्टि नहीं होती। परिणाम श्रुत ज्ञानावरणीय होता है जब भविष्य का चिंतन, जैसे उसमें भी था कि भविष्य के फल का चिंतन नहीं कर सकते, इसमें भी यही है कि भविष्य का चिंतन, अभी मजे करो ना, ईट ड्रिंक बी हैप्पी, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ई वाला ए वाला कौन सा होता है? अच्छा, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ऐसा लोग बोलते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता, ये लोग भविष्य के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, लेकिन ये किस कर्म के कारण है? देखो, अभी सत्संग नहीं मिला ये तो कारण है, ये तो कारण है, लेकिन बचपन से ये जो सोच बना रखी है वो भी किसी कर्म के बल के कारण है, और वो कर्म कार्मिक बल क्या है? श्रुत ज्ञानावरणीय। बात समझ पा रहे हो? सत्संग मिलेगा फिर तो मान्यता बदलेगी, लेकिन तुम्हें बचपन से ये किसने सिखाया? ईट ड्रिंक एंड मैरी किसने सिखाया? श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के उदय ने। बचपन से तुम्हारे अंदर ये बात घुसी कैसे? पूर्व से तुम श्रुत ज्ञान का आवरण लेके चल रहे हो, उस कारण। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे ले रही हूँ। तुम्हें समझ तो आ रहा है ना कि तुम और घबरा रहे हो? वैसे तुम्हें सरल मार्ग बताऊं? सरल मार्ग बस इतना है, आत्मानुभूति कर लो, सम्यक दर्शन की अनुभूति कर लो। ये सब ऐसे ही जाते हैं जैसे 500,000 गए, बिल्कुल बिल्कुल वैल्यू ही नहीं रहती इसमें, बिल्कुल वैल्यू नहीं, पता ही नहीं चलता। वो जैसे ही सम्यक दर्शन हो, जैसे यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि अब उनमें कोई अर्थ नहीं रहा, वहाँ पे सम्यक दर्शन में तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर अंदर से बोलता है, अब मुझे संसार की वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में कोई अर्थ नहीं रहा। और सच में नहीं रहता, कोई अर्थ नहीं रहा उसमें, कोई रस नहीं रहता। क्या बात क्या कर रहे थे हम? श्रुत ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय के नहीं, कुछ और बात कर रहे थे, शॉर्टकट, शॉर्टकट में कह रहे थे तुम लोग, सम्यक दर्शन कर लो तो ये सब अपने आप हमारा जितने भी आवरण चले जाते। दो ही ढंग है, या तो तुम इधर से चलना शुरू करो, कर्मों के झाड़ को काटते 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 सम्यक दर्शन तक पहुँचो, और यहाँ तो कर्मों के झाड़ ऐसे है ना, कर्मों की बेलें, कर्मों की लिपटे ऐसी है, जितने काटते हो साथ साथ में नए उगते ही जाते हैं। तो भी चलो, ये पुरुषार्थ काम का है, तीव्र पुरुषार्थ उठा तो उसका जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग था उससे ज़्यादा तुम्हारा रेट ऑफ डिमोलिशिंग है, उसको तोड़ने का काम तुम्हारा ज़्यादा चल रहा है, इंक्रीजिंग का कम हो गया, तो तुम थोड़ी आगे पहुँचोगे। तो भी यह थोड़ा कठिन मार्ग है, कर्म मार्ग से थोड़ा, कर्मयोग नहीं है, कर्मयोग एकदम अलग है,
लेकिन इन ज्ञानावरणीय आदि कर्म को क्षय करते करते आत्मा तक पहुंच जाएंगे ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तो कार्य तो इन्हीं में करना पड़ेगा ताकि ये धीरे धीरे मंद होते होते सम्यक दर्शन की तरफ हमारा आत्मा अग्रसर हो। इससे शॉर्टकट तो यही है कि तुम सम्यक दर्शन करो, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक अवस्था के अंदर कार्य तो करना पड़ेगा ना कुछ। तो वो क्या कार्य करना है? तो बस इन कर्मों को उपशांत करने का। इसका कारण क्या है? अब बड़े लंबे 9-10 कारण लिख रखे हैं इसके अंदर। श्रुत ज्ञानावरणीय, सुन कर भी समझ नहीं आता, पढ़ कर भी समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता? नंबर वन, श्रुत ज्ञानियों की निंदा करने से, अभद्र व्यवहार करने से, साथ साथ में सोचते जाना तुमने किया है कि नहीं किया, अभी हम क्षमापना करेंगे इसकी। दूसरा, पहला श्रुत ज्ञानियों की निंदा करने से, उनके साथ अभद्र बुरा व्यवहार करने से, तुम खाली यस नो टिक करते जाओ अपनी उसमें, बाद में तो इसका एक चार्ट बन के तुम सब तक पहुंचेगा। दूसरा, ज्ञान के उपकरण पटकने से, जलाने से, अयत्ना पूर्वक रखने से, ज्ञान के उपकरण पटकने से, जोर से रखे, गुस्से में रखे, जलाने से, अयत्ना पूर्वक रखने से। तीसरे, प्रतिदिन नया ज्ञान अर्जित करने का पुरुषार्थ नहीं करने से। लो, प्रतिदिन नया ज्ञान इस मार्ग का तुमको नहीं, जी हम रोज गूगल खोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, हम रोज तरला दलाल की वेबसाइट देखते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। नया ज्ञान मतलब जो तुम्हें आत्मसन्मुख करे, कोई सत्संग, कोई शास्त्र आदि को उठाना, अच्छी मॉरल स्टोरीज को उठाना भी इसमें डालती हूँ मैं, कोई बात नहीं। कुछ संसार के अंदर मॉरल जातक कथाएं होती है, रोचक कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं, वो सब भी पढ़ते हो जो आत्मसन्मुख करती है, तो इट्स ओके। लेकिन शुद्ध ज्ञानावरणीय कैसे होता है? प्रतिदिन नया ज्ञान अर्जित न करने का पुरुषार्थ न करने से। करते हो कि नहीं, टिक करते जाना, रोज नया ज्ञान अर्जित करने का पुरुषार्थ नहीं। हम जैसों का रोज पुरुषार्थ होता है, पूछ लेना हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, रोज नया ज्ञान, रोज नया। पुनरुक्ति तो होती है, वो भी आएगा अभी, पुनरुक्ति नहीं करने से भी ये होता है। पुराना जो इकट्ठा किया है उसको भी बार 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 अगर तुम नहीं पढ़ते, खाली डायरीज में रख कर लिख कर बंद कर देते हो तो भी श्रुत ज्ञानावरणीय। दोबारा उसको पढ़ते नहीं हो तो भी श्रुत ज्ञानावरणीय। देखते हैं, प्रतिदिन नया ज्ञान अर्जित करने का पुरुषार्थ न करने से। चौथा ही आ गया, ज्ञान का पुनरावर्तन नहीं करने से, ज्ञान का पुनरावर्तन रिपीट करके पढ़ने से, न पढ़ने से। शक्ति होने पर भी दूसरों को नहीं पढ़ाने से, श्रुत ज्ञानावरणीय। शक्ति है, दूसरा कोई तुमसे कुछ समझना चाहता है लेकिन नहीं समझाने से, नहीं बताने से, नहीं पढ़ाने से, शुद्ध ज्ञानावरणीय। और ये शुद्ध ज्ञानावरणीय का दुष्प्रभाव कितना है? सत्संग में भी आते हो, शास्त्र भी पढ़ते हो लेकिन आशय ही नहीं समझ पाते, दुष्प्रभाव है कि नहीं? उसका एक्चुअल अर्थ ही नहीं पकड़ पाओगे। छठा, ज्ञान का अशुद्ध उच्चारण करने से, अशुद्ध उच्चारण, इसलिए शुद्ध उच्चारण के ऊपर हम काफी जोर देते हैं। सातवां, पढ़ने के लिए दूसरों को प्रेरित नहीं करने से। आ हा 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 हा, इसमें कृति कहाँ बैठी है? हो रही, ये तो मेरा कर्म, ये कृति प्रभु के साथ ही मेरे इस कर्म के सारे आवरण खत्म हो जाएंगे। दिन में 10 बार उसको प्रेरित करती हूँ, पढ़ लो बच्चे, आखिरी साल है, इसके बाद कभी नहीं पढ़ना, मतलब ऐसे ही बोल बोल के तो प्रेरित किया जाता है बच्चों को। तो इसके निमित्त से मेरा शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म बिल्कुल खत्म हो जाने वाला है, मैं बार बार इसे पढ़ने के लिए प्रेरित करती हूँ। ऐसा नहीं है, पढ़ने के लिए मतलब शास्त्र अभ्यास। और वैसे इसको भी मैं डाल सकती हूँ इसमें, क्योंकि तुम्हारी तुम्हारी कामना क्या है, तुम्हारी भावना क्या है कि उसका जो भी साल है, कोई उसमें अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं है, उसके जीवन का जो प्रमुख वर्ष है ये किसी भी तरह से अच्छे मार्क से पास हो जाए। यानी कि पढ़ने के लिए दूसरों को जब तुम प्रेरित नहीं करते, ये भी श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म बनता है। आठवां, ज्ञानी के अंग प्रत्यंग देख कर उपहास करना, मजाक करना, जैसा अष्टावक्र के केस में उन सब पंडितों ने किया था ना, ज्ञानी के अंग उपांग देख कर, या फिर ज्ञानी की कोई भी स्थिति देख कर, समझो ना बड़ा सा तिलक लगा कर आ जाए, और कैसा तिलक लगा के आते हैं देखो तो, अभी आजकल मन करता है ऐसा पीला तिलक लगाने, तुम्हें तकलीफ क्या है तो फिर? लेकिन तुम अब ये तिलक देख के हंसते हो, मजाक उड़ाते हो, नहीं नहीं हंसते होंगे लेकिन ऐसा होता है, मुझसे तो प्रेम है,
मेरे प्रति नहीं हंसोगे, लेकिन हम भी हंसते थे जब पहले सालों पहले टीवी पर किसी ऐसे बाबा को देखते थे जो प्रवचन करते थे, अलग अलग टाइम्स टाइप से यहाँ पर तिलक लगाते थे तो हंसी आती थी, मजाक उड़ाते थे हम भी उनका कि इनको आके सत्संग कराने देखो ना कितना टाइम तो इसके अंदर लगाते होंगे ये टीका करने में, हमने भी उड़ाया है तो तुमने भी उड़ाया हो तो थोड़ा याद करना। नौवां, ज्ञान आराधना की अनुमोदना नहीं करने से। ज्ञान की अनुमोदना करना बहुत आवश्यक है, ज्ञान, ज्ञान की आराधना, ज्ञानी की आराधना, ये सब इतना आवश्यक है ना। ये बेशक तुम में आत्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन जिसमें आत्मा का ज्ञान है उसकी बात को समझ पाने की बुद्धि का को विकसित करेगा तुम्हें, समझ पाते हो। जब तुम ज्ञान की अनुमोदना करते हो तो बेशक तुम में ज्ञान नहीं है, लेकिन जिनमें ज्ञान है जब तुम उनको सुनते हो तो उनके कहने का तात्पर्य, प्रयोजन, हेतु, आशय, मतलब तुम समझ पाते हो। इसलिए अनुमोदना खूब करना। कितने दृष्टांत शास्त्रों में, कितने मैं लिख रही थी इसमें, मालव देश के महामंत्री थे पेथड़ शाह करके कोई, पेथड़ शाह भी 300 साल पहले की बात है, 300-400 साल पहले। उन्हें गौतम स्वामी से बड़ा प्रेम था, गौतम स्वामी का जहाँ नाम आया ना तो उनका मन एकदम इतना राजी राजी हो जाता था, ये गौतम प्रभु भी खुश हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने किया क्या, वो भगवती सूत्र को एक बार सुन रहे थे और उनके आचार्य ने, उनके गुरु ने उनको कहा कि भगवती सूत्र के अंदर तो सबसे ज़्यादा बार गौतम स्वामी का नाम लिखा गया है। कितनी बार, उन्होंने पूछा तो बोले नहीं तुम बताओ तुम अनुमोदना कैसे करोगे। तो पेथड़ शाह, वो तो वहाँ के राजा है, महामंत्री थे, उन्होंने कहा मैं अनुमोदना कैसे करूंगा गौतम स्वामी के नाम के, तो जितनी बार आप गौतम स्वामी बोलेंगे ना उतनी बार मैं एक सोना मोहर रखूंगा, एक सोना मोहर। और पढ़ते गए भगवती सूत्र के अंदर गौतम स्वामी का नाम 36,000 बार है, 36,000 बार स्वर्ण मुद्राएं रख। एनफ, इट्स एनफ, अब नहीं, ये तो तुमने मुझे चीट किया, ऐसा कुछ नहीं बोला अपने गुरु को, गुरु ने बोला तुम्हें क्या करना है और उस संपत्ति से मंदिर बनाया गया। ये गुरु का अपना टेक्निक था, प्लान था, जो भी था कि ये संपत्ति जो आई उसमें से गौतम स्वामी के कोई खास मंदिर की का निर्माण कराया गया। ऐसे ऐसे लोग हुए, वस्तुपाल गुजरात के महामंत्री, अभी 200-250 साल पहले उन्होंने करोड़ों रुपये, उस समय करोड़ों रुपये खर्च करके केवल ज्ञान भंडार यानी लाइब्रेरीज बनाई, लाइब्रेरीज 18 करोड़, मैं जहाँ विकिपीडिया में पढ़ रही थी, 18 करोड़ रुपए देकर केवल लाइब्रेरी जहाँ बैठकर साधु संत आए, श्रावक आए, श्राविका आए, बैठकर केवल पढ़े अभ्यास करें। अभी भी हैं ये लाइब्रेरीज, अभी भी इनकी जीर्ण शीर्ण अवस्था में एज अ क्या कहते हैं हिस्टोरिकल हेरिटेज प्लेसेस रखे हैं। कुमारपाल की बात आती है, आगम ग्रंथों के 36,000 श्लोक सुवर्ण की स्याही में लिखा है, इतनी ज्ञान की अनुमोदना। कह रहे मेरे बाद ये सोने का करना क्या है, मेरे बाद इस सुवर्ण का होगा क्या, अपने हाथों मुझे ये आगम ग्रंथों के 36,000 मूल गाथाएं उन्होंने सुवर्ण से लिखाई, ये सब ज्ञान की अनुमोदना। तुम्हें इतना तो करना ही चाहिए, खुद नहीं कर सकते भले इतना कुछ, लेकिन किसी ने की है तो अनुमोदना करके तो लाभान्वित हों के नहीं। ये वस्तुपाल, तेजपाल, इन लोगों, दिलवाड़ा का मंदिर तुमने देखा हो तो इन्हीं लोगों ने बनाया, वहाँ इनकी कुछ प्रतिमा भी है, इनकी वाइफ भी थी वो भी। ये वस्तुपाल का तो नियम था रोज सुबह उठकर 500 साधुओं को उपकरण का दान देते थे और 15 साधुओं को खाना खिलाते थे, उसके बाद अपने कार्य में जाते थे। वस्तुपाल का नियम, 500 साधुओं को या तो वस्त्र देंगे या उपकरण देंगे या शास्त्र बोराएंगे और 1500 को भोजन देने के बाद अपना कार्य आरंभ करते थे। और चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, ऐसे महामंत्री को आज के समय में तो कोई रखेगा नहीं, लेकिन उस समय गुजरात का कल्चर ऐसा हुआ करता था कि ऐसे चीफ मिनिस्टर को ही रखा जाता था कि जो ज्ञान की, जिसको इतनी महिमा है। शुद्ध ज्ञानावरणीय इस प्रकार से बनते हैं। तुमने याद कर लिया तुम्हें कहाँ का ऐसा शुद्ध ज्ञान का आवरण आया है, चलो हम पूरा इकट्ठा ही करेंगे ज्ञानावरणीय के सारे भेद, बाकी अवधि ज्ञानावरणीय नेक्स्ट। अच्छा, इसका निवारण बिल्कुल इससे विपरीत चलेगा, इसका हम पूरा चार्ट बनाकर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय दोनों मुझे एक साथ देने चार्ट पे, ताकि वो आप रिलेट कर पाए, जो इधर है वो बातें
उधर भी ऑलमोस्ट वैसे ही है। निवारण बिल्कुल इससे उल्टे ढंग से होगा, श्रुत ज्ञानियों की निंदा नहीं करने से, उनसे अभद्र व्यवहार नहीं करने से, दूसरा ज्ञान के उपकरणों को बहुत ही यत्नपूर्वक रखने से, तीसरा प्रतिदिन नया ज्ञान अर्जित करने का पुरुषार्थ करने से, चौथा ज्ञान का पुनरावर्तन करने से, दोबारा दोबारा उसको पढ़ने से, पांचवा शक्ति अनुसार दूसरों को पढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए, छठा ज्ञान का अशुद्ध उच्चारण नहीं करना। तो उसमें भी तुम ज्ञान गाने वाले तो खास ध्यान रखना, पढ़ने के लिए दूसरों को प्रेरित करने से, आसपास घर में कोई 10वीं 12वीं का बच्चा हो या कोई ना मिले तो कृति प्रभु को फ़ोन कर करके हर तरफ से तुम लोग उसको प्रेरित करते रहना कि बेटा आखिरी साल है, इसके बाद बोलो तुम लोगों ऐश तो SRM में शब्द नहीं यूज़ किया जाता, बस उसके बाद इतना तो नहीं पढ़ना होता ना शायद कि पढ़ना होता है। अच्छा अभी तो इतना बोलना, उन्हें तो उसको लगेगा कि आगे भी पढ़ना है। इसलिए तुम लोग कहीं ना कहीं से जब भी सत्संगों में मिलो, ये मेरी तुमसे विनय भरी रिक्वेस्ट है कि जब भी तुम उसको मिलो ना, कृति कैसी चल रही है पढ़ाई, कृति तेरा वही पढ़ने बैठ जाए, अगली बार से ना वो यहाँ कैमरे के नीचे बुक लेकर ही आएगी शायद। पढ़ने के लिए दूसरों को प्रेरित करना, ज्ञानी को देखकर किसी भी प्रकार से मजाक नहीं उड़ाना उसकी, और नौवां ज्ञान आराधना की अनुमोदना करना, करना कराना और करने वाले की, तीनों की अनुमोदना। उसके बाद तीसरा कौन सा है, अवधि ज्ञानावण्य कर्म। अवधि ज्ञान क्या होता है, मन और इंद्रियों की सहायता के बिना रूपी पदार्थों का ज्ञान हो जाना। आज के समय में इस ज्ञान का विच्छेद है, वैसे नहीं है, लेकिन पहले के समय में जरूर होता था, मन और इंद्रियों की सहायता के बिना वहाँ क्या हो रहा है यहाँ बैठे बैठे बता देते थे। लेकिन इस ज्ञान पर भी हमारे आवरण है कि नहीं, ये ज्ञान पर आवरण जो है इसे अवधि ज्ञानावरणीय कर्म कहा जाता है। अवधि का मतलब समय नहीं होता, अवधि का मतलब होता है यहाँ रूपी पदार्थ, रूपी पदार्थों के क्या जो मीलों दूर है बिना देखे बस उनके बारे में निर्णय करके बिल्कुल सटीक बताना, तुम्हारी तरह तुक्का लगाना नहीं। परिणाम क्या होता है अवधि ज्ञानावरणीय का, कि इंद्रियातीत ज्ञान का अभाव हो जाता है, स्वाभाविक है, इंद्रिय के विषय से बाहर है वो ज्ञान नहीं होता हमें। कारण क्या होता है, अब ये अवधि ज्ञानावरण आता क्यों है, बड़ा महत्वपूर्ण है जानना, आत्मा में अश्रद्धा रखने से। कितनी बार लोगों को होता है आत्मा भी कुछ होती होगी कि नहीं, जिसके लिए ये सारा पुरुषार्थ करें, सर तुमने, मैंने तो बहुत बार जीवन में सोचा है, जब ये मार्ग पर शुरू शुरू में थी तब मुझे कितनी बार डाउट होता था कि जिसके लिए सब छोड़ने को कहा जा रहा है, ये मत करो वो मत करो, क्योंकि तब तो धर्म हमारा डोंट से ही शुरू होता था, डूज एंड डोंट्स में खाली डोंट्स की ही लिस्ट होती थी बड़ी बड़ी, ऐसा छोड़ दो वैसा छोड़ दो, ये कर लो वो मत करो। तो तब कितनी बार आवेश में छोड़ तो देते थे, लेकिन अंदर कहीं ना गहरे गहरे शंका होती थी, सच में कुछ आत्मा वात्मा होता भी होगा कि फालतू में ये सब चल रहा है। तुम्हें हुआ कभी ऐसा, जगप्रीत हाँ कह रहा है, ये रचित भी हाँ कह रहा है, और सच बोलो तुम, तो फिर तुम लोगों ने कभी कुछ डीप में सोचा नहीं है। जो डीप थिंकर होगा ना, उसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी दिल के किसी कोने में यह प्रश्न आया होगा कि सच में मोक्ष होता होगा, सच में कर्मों से छुट्टी होती होगी, कि सच में ये जो प्रवचन मिल रहे हैं हम लोगों को, इतने इतने सत्संग, ये पूर्णता तक पहुंचा सकते होंगे, आत्मा परमात्मा जैसा कुछ होगा नहीं होगा, ये जो अंदर में शंका उठती है इस कारण से अवधि ज्ञानावरणीय। दूसरा, आत्मा की ज्ञान शक्ति को निरर्थक और अनर्थकारी कार्यों में लगाना। जितना भी तुम जान पा रहे हो, ये जानने की शक्ति किसकी है, कुछ भी, कोई भी पदार्थ, तुम इस घड़ी को घड़ी रूप में जान पा रहे हो, ये जानने की शक्ति किसकी है, आत्मा की। भले ही आंखों ने देखा मन ने समझा, लेकिन अगर यहां से आत्मा निकल जाए तो आंखें अभी भी है कि नहीं है, पर तुम जान सकते हो इसको घड़ी को घड़ी रूप में, नहीं। तो जानने की जो भी शक्ति है वो सारी आत्मा की ही है, लेकिन उस शक्ति को हमने अनर्थकारी जानने में लगाया, ये अवधि ज्ञानावरणीय और स्वाभाविक है, लगाया ही है, इसीलिए अवधि ज्ञानावरणीय का तो जाते जाते विच्छेद ही हो गया, खत्म ही हो गया। तीसरा, आत्मज्ञानी पुरुषों की अविनय अशातना, ये तो एक कॉमन कांस्टेंट फैक्टर है। और चौथा, आत्मज्ञान की प्राप्ति में अंतराय करने से, दूसरों को अंतराय डालने से, और निवारण बिल्कुल इससे अपोजिट।
चौथा है मना पर्यव ज्ञानावरणीय। मना पर्याय ज्ञान क्या होता है? मन इंद्रियों की सहायता के बिना जो संगनी जीव है यानी मन वाले जीव हैं उनके मन के भावों को पकड़ लेना, इसे मना पर्यव ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान क्या होता है? मन इंद्रियों की सहायता के बिना मात्र रूपी पदार्थों को जानता है वो, ठीक है, वस्तु का बोध हो जाएगा कि अरे वहां बारिश आएगी, अरे वहां वो इंसान जा रहा होगा, लेकिन मन के भाव नहीं पकड़ पाता। मना पर्यव ज्ञान क्या होता है कि इंद्रिय मन की सहायता के बिना, मन तो खैराएगा उसमें, लेकिन उसके बिना दूसरे के मन में क्या चल रहा है वह जान ले, ये मना पर्यव ज्ञान होता है। इसका भी विच्छेद है, लेकिन इस पर आवरण क्यों आ जाता है? तो कारण, इसका परिणाम ये है कि दूसरों के मन के भाव को नहीं जान पाता। यहाँ तो कोई मुंह फाड़ के बोल देना तो भी भाव नहीं समझ पाते, कितना आवरण होगा। वहां तो मौन होते थे ना, भगवान के देशना में समोचरण के अंदर मुनि आदि मौन आते थे ना, तो भी भगवान उनके मौन में भी उनके अंदर क्या प्रश्न उठ रहा है ना, वो प्रश्न भी बोल देते थे और प्रश्न का समाधान भी दे देते थे। मतलब वहां तो केवल ज्ञान है, इसलिए उसमें तो सारे ज्ञान आ गए, वहां तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से बात हो रही है, लेकिन यहाँ तो कोई 10 बार सामने से बोले ना तो भी तुम मन के भावों को नहीं समझ पाते, तो ये कैसा जबरा, कैसा प्रगाढ़ मति मना पर्यव ज्ञानावरणीय कर्म है। इसका परिणाम ये है, दूसरों के मन के भाव को नहीं जान पाता। कारण क्या है? इंद्रियों की स्वच्छंदता। इंद्रिय स्वच्छंद, किसी की आज्ञा में नहीं है। जैसे तुम दिन में 20 मिनट भी सत्संग देखते हो तो तुम्हारी इंद्रिय किसी की आज्ञा में आई ना, तो जैसे ही आज्ञा में आई मन पर्यव ज्ञानावरणीय कर्म को तोड़ा। ये सब आज्ञा के अंदर कितनी कितनी गहन बातें छुपी है। तुम 10 मिनट भी सत्संग सुनते हो देखते हो तो इसका मतलब तुम्हारी इंद्रियां आज्ञा में आ गई, और आज्ञा में आ गई इसका मतलब स्वच्छंद तुमने तोड़ दिया। सीधा कार्य करेगा मन पर्यव ज्ञान। बेशक तुम्हें दूसरों के मन की बात ना समझ में आए, लेकिन तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं उनके मन की बातें तुम्हें तुरंत समझ में आने लगेगी। संभव है? संभव है, क्योंकि मेरे आसपास जो रहते हैं उनको कई बार ऐसा लगता है कि आप मन पर्यव ज्ञानी तो नहीं हो। इसमें इनको आजकल जो बच्चों को पढ़ने के पीछे मैं पढ़ती हूँ ना, उनको तो बहुत लगता है कि आप मन पर्यव ज्ञानी तो नहीं, आपको पता कैसे चलता है कि मैं शैलो स्टडीज़ कर रही हूँ, मैं डीप स्टडी नहीं कर रही, मैं 3 दिन से इसके पीछे पढ़ी हूँ। तो 4 घंटे पढ़ती दिखती है, 8 घंटे पढ़ती है, 8 घंटे दिन में किसे बोलते हैं, 8 घंटे पढ़ती है, लेकिन मैंने तो इसको बोला तू बहुत शैलो स्टडीज़ कर रही है, तू डीप स्टडीज़ नहीं कर रही। तो उसको अंदर में ये लगता होगा ना कि ये प्रभु क्या मन पर्यव ज्ञानी है, मतलब ये इसका अभी तेरे को मेरे पर क्रोध ना आए, खाली तेरे को ये लगे कि ओहो प्रभु का मन पर्यव ज्ञान कितना विस्तृत है। लेकिन ये मन पर्यव ज्ञान की बात नहीं है, ये है क्या, इंद्रियों को आज्ञा में रखा है परमात्मा की, मन को आज्ञा में रखा है परमात्मा की, और उस कारण सामने वाला क्या कर रहा है ना पता नहीं, समहाव पता चल जाता है। अब तुम लोग मत सोच ये मन पर्यव नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका तो शास्त्र कहते हैं विच्छेद हो चुका है। और तुम कुछ भी बुरी चेष्टा सोचकर मेरे सामने आओगे तो मेरा मन ऐसा कि जैसे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम मुझसे कोई 2 दिन की छुट्टी सैंक्शन कराने आओगे तो ये मन इस तरह बिहेव करेगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए कोई मना पर्यव नहीं है, बस इतना है कि परमात्मा की आज्ञा में इंद्रिय और मन को ऐसा ढाला हुआ है, ऐसा रखा है कि आसपास के लोगों के मन में क्या चल रहा है ये बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है। राज परिवार हंस रहा है पूरा, आज मैंने राज बताया। कितनी बार इन लोगों को आश्चर्य होता है, अरे प्रभु आपको कैसे पता चला? कितनी बार ये लोग कहते हैं कि प्रभु यही भक्ति हमने सोची थी और वही आपने बोल दी, कितनी बार कहते हैं ये लोग। तुम जासूसी है एक टाइप की है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा डर रखना पड़ेगा ना, इसलिए केवल ज्ञान। अच्छा, ये इंद्रियों की स्वच्छंदता और कषायों की प्रबलता के कारण, 2 कारण है इसके। इंद्रिय स्वच्छंद होते हैं तब तुम दूसरों के मन के भावों को नहीं समझ पाते, और दूसरा कषाय प्रबल होते हैं, क्रोध मान माया लोभ, तब तुम दूसरों के मन की बात को नहीं समझ पाते। निवारण क्या है? इंद्रियों को आज्ञा में डालो और कषाय को मंद करते जाओ। केवल ज्ञानावरणीय परिणाम तो तुम्हें पता ही है। केवल ज्ञान किसको कहते हैं? संपूर्ण लोकालोक का यथा चित्त ज्ञान हो जाना, वो जैसे हैं तुम्हें वैसे समझ में आ जाना, इसे केवल ज्ञान, एब्सोल्यूट नॉलेज, कंप्लीट एनलाइटनमेंट। लेकिन उसको भी आवृत है ही, अभी तुम्हें किसी को है केवल ज्ञान? परिणाम
निवारण क्या है? संवेग पूर्वक धर्म आराधना करना, संवेग पूर्वक, खूब उल्लास पूर्वक। और दूसरा, कहीं ना कहीं से ये पॉइंट आ ही जाता है, निस्वार्थ भाव से कर्म और ज्ञान की आराधना करने से केवल ज्ञानावरणीय कर्म टूटता है। निस्वार्थ भाव से कर्म और ज्ञान की आराधना करना, और दूसरा संवेग पूर्वक इस मार्ग पर धर्म की आराधना करना। कोई प्रश्न? आज दर्शनावरणीय सिलेबस में था, कोई प्रश्न है तुम्हारा? कोई प्रश्न ज्ञान को लेके, दर्शन को लेके? कुछ समझ ना आया हो या कुछ भी नहीं समझ में आया? आज थोड़ा इंटेंस था आई नो, क्योंकि कर्म ग्रंथ इतने मोटे मोटे, पांच कर्म ग्रंथ है, इतने मोटे और इतने बड़े। बीच में मैंने कभी बोला था इतने मोटे, तो उसने मेरे को बोला साइज तो बताओ, तो इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ, इतने मोटे और इतने बड़े बड़े पांच कर्म ग्रंथ हैं, बड़े बड़े, और इतनी डिटेल्स है, हम केवल उसका सार उठा के ले रहे हैं यहाँ, तो थोड़ा इंटेंस तो तुम्हें लगेगा। कहाँ कौन सा कर्म कैसे बनता है, कैसे हटाया जाता है, कितनी बातें बहुत डिटेल्स में लिखी है, लेकिन इसके सार को समझने में तुम्हें टफ लगे, लेकिन रिलेटेबल है लाइफ में हमारे, ये हो रहा है। इंद्रियां स्वच्छंद से जी रही हैं, इसलिए मन के भाव को पकड़ नहीं पाते। आसपास के लोग छोड़ो, सदगुरु के मन के भाव को नहीं पकड़ पाते, जो सत्संग में कहा जाता है उसके आशय को नहीं पकड़ पाते। सबका कारण है, सबका निवारण है, सबका परिणाम है, सब कुछ क्लियर चार्ट की फॉर्म में बाहर आएगा। अभी एक छोटा सा ध्यान प्रयोग करते हैं, जिसमें इन सब की समापना कर लें अभी, कि तुम घर पे जाके करोगे? अभी करते हैं। मेरा मन भी यही था, तुम नहीं कहते तो भी मैं यही करती। कोई प्रश्न हो तो अभी भी पूछ सकते हैं, बाकी अगली बार फिर दर्शनावरणीय कर्म की नौ प्रकृतियों को देखेंगे। कम अगेन? हाँ हाँ, अवधि मतलब काल समय नहीं होता, अवधि का मतलब होता है रूपी पदार्थ, रूपी, रूपी यानी वर्ण गंध रस स्पर्श वाला पदार्थ, यानी जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हाँ आकार है जिसका, जिसका आकार है। आकार भी खाली नहीं कहा जाता, वर्ण गंध रस और स्पर्श, जैसे गंध है उसका कोई आकार नहीं है लेकिन हम फील कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो अवधि का अर्थ होता है रूपी पदार्थ। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, थोड़ी लाइट्स कम करा दो। बड़े आनंद पूर्वक, हर्ष पूर्वक बैठना। याद, तुम हो सकता है ऐसा कहो कि हमें याद नहीं आ रहा हमने ऐसा किया था कि नहीं किया, हो सकता है, क्योंकि स्वाभाविक है ज्ञानावरणीय पर ध्यान चलेगा, तो ज्ञान पर तो आवरण है ही, तो तुम्हें याद नहीं आने वाला ऐसा लेके बात चलो। लेकिन तब हम दूसरी संभावना पे कार्य करते हैं, जिन कर्मों का हमें स्मरण है या जो विस्मृत हो गए हैं, जिन कर्मों का, जो इतने सारे हमारे, हमने डिटेल्स लिए ना, इन कर्मों का स्मरण है या विस्मरण हो गए, जानबूझकर किए हैं या अनजाने में किए हैं, इस जीवन में किए हैं या अनादिकाल के इस परिभ्रमण की परंपरा में कभी भी किए हैं, उन सब के प्रति हम क्षमापना लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसलिए बहुत याद आता है तब तक तो याद करना कि हाँ हमने भी ऐसा किया था, हाँ हमने भी ऐसा सोचा था, हाँ हमने भी दूसरों को उकसाया था कि ये गलत मत है, ये गलत परंपरा है, यहाँ मत जाओ, ये सब हमने भी किया था, उसके लिए अब क्षमापना, ठीक है। सीधे बैठे एकदम, दोनों हाथ तुम्हारे घुटनों के ऊपर, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कंधे तने हुए, छाती चौड़ी, पेट भीतर की तरफ, आंखें कोमलता से बंद। अनादिकाल से इस जगत में आत्मा का परिभ्रमण चल रहा है, और इस परिभ्रमण का एकमात्र कारण कर्म ग्रंथ के अनुसार आत्मा और कर्म का संयोग है। कर्म ग्रंथ कहते हैं कि आत्मा और कर्म के संयोग के बिना, उनके मिलाप के बिना कभी परिभ्रमण संभव ही नहीं, क्योंकि अकेली आत्मा परिभ्रमण कर नहीं सकती,
और अकेले कर्मों में बिना आत्मा की सहायता के बांधने की शक्ति ही नहीं। जब इन दोनों का मिलान होता है तभी इस जगत के अंदर आत्मा अलग अलग शरीर में अलग अलग योनि में परिभ्रमण करती है। वैसे तो कर्म के अलग अलग अनंत विभाग किए जा सकते हैं, लेकिन कर्म ग्रंथ के अंदर कर्म के मुख्य 8 विभाग कहे हैं। उन 8 विभाग में प्रथम ज्ञानावरणीय कर्म अलग अलग ढंग से हमने ज्ञानावरणीय कर्म को बांधने के कारण उनके भुगतने का फल परिणाम और उनको हटाने के ढंग भी देखे। लेकिन अब ध्यान पूर्वक पूरी जागृति पूर्वक हमसे जानते बूझते हुए वैसे कर्म या अनजाने में हुए वैसे भाव या कर्म उन सब की क्षमा अपना लेंगे। उसके लिए आ जाओ श्वासोश्वास के ऊपर। जब तुम श्वास भीतर लो, पेट फूले, महसूस करिए फूलते हुए पेट को। जब तुम श्वास बाहर छोड़ो तो पेट सिकुड़े, महसूस करो सिकुड़ते हुए पेट को। कर्म की ओर से विचारणा करोगे तो बहुत लंबा रास्ता लगेगा, पर है नहीं। अध्यात्म दृष्टि से बस जीवन जीते जाओगे तो कर्म अपने आप गिरते जाएंगे, बिखरते जाएंगे, टूटते जाएंगे। आवश्यकता तो है अध्यात्म दृष्टि समझकर उसके साथ जीवन जीने की। श्वासोश्वास पर है हम, पूरा श्वास भरना, पेट फूले, मूल बंद लगे और फिर पूरा श्वास छोड़ देना। कुछ एक सेकंड के लिए श्वास को पेट में रोक कर रखना। अभी हम मानस यात्रा में चलेंगे। मानस यात्रा में जो जो कर्म बंध जानबूझकर अनजाने इस जन्म पर जन्म में हुए उनकी क्षमापना करेंगे। उससे पहले अपनी शक्ति का संग्रह करो। जितना आप वर्तमान में होंगे श्वासोश्वास पूर्वक वर्तमान में होंगे उतना शक्ति का संचय होगा, संग्रह होगा। भूत और भविष्य में जाने से शक्ति बिखरती है, वर्तमान में आने से शक्ति का संग्रह होता है और शक्ति पूर्वक की हुई क्षमापना कर्म का विध्वंस करने में, कर्म को बिखेरने में सक्षम हो जाती है। कर्म कोटि में निकाचित कर्म तो भुगते बिना छुटकारा नहीं, परंतु अनिकाचित कर्म मानस यात्रा से ध्वंसित हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। मात्र मानस यात्रा से शक्ति पूर्वक आप जितनी शक्ति से इस यात्रा को करेंगे उतना कर्म ध्वंस प्रगाढ़ होगा। और शक्ति का संचय करने, शक्ति का संग्रह करने आप हैं वर्तमान पल में। पूरा श्वास भरो, पेट फूले, मूल बंद लगे, ठहरो, छोड़ दो श्वास। दूसरी बार पूरा श्वास भरो, पेट फूले, मूल बंद लगे,
हम शक्ति का संग्रह कर रहे हैं कर्म ध्वंस के लिए। छोड़ दो, कर्म ध्वंस मात्र निद्धत कर्मों का और निकाचित कर्मों का होता है। वापस पूरा श्वास भरो, छाती पेट फूले, मूल बंद लगे, रोको श्वास को, छोड़ दो। एक और बार पूरा श्वास भरिए, मूल बंद लगे, ठहरो, छोड़ दो। अंतिम बार पूरा श्वास भरिए, पेट फूले, मूल बंद, छोड़ दो। अब हम शक्ति का मेरुदंड के अंदर ऊर्ध्वगमन करेंगे। सारी शक्ति तुम्हारे भीतर ही पड़ी है, हम बस उसे ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हम कहें, बस तुम शक्ति का संग्रह करने में लगो, क्योंकि अंत में हम ज्ञानावरणीय कर्म के सापेक्ष कर्म ध्वंस करने की चेष्टा करेंगे। पूरा श्वास भरो, पेट फूले, मूल बंद लगे और पीछे से नीचे से ही ऊपर आते जाओ मेरुदंड में, और सहस्त्रार तक आकर श्वास को भी छोड़ दो, मूल बंद भी छूट जाए। दूसरी बार पूरा श्वास भरो, मूल बंद लगा, मेरुदंड में ही हमारे साथ मूलाधार से स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, मज्जा, सहस्त्रार छोड़ दो। कुछ एक छोटे मोटे श्वास ले लो। तुम्हारे मेरुदंड में एक गर्माहट, और यह ऊर्जा का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। तीसरी बार पूरा श्वास भरो, हमारे साथ मूल बंद, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, मज्जा, सहस्त्रार छोड़ दो। कुछ एक छोटे छोटे श्वास भर लो। महसूस करना शुरू कर दो, तुम्हारे आज्ञा चक्र पर भी एक संवेदना शुरू हो गई है। ये ऊर्जा का थक्का है, यह शक्ति है जो कर्म ध्वंस के अंदर तुम्हें मदद करेगी। अगली बार पूरा श्वास भरो, मूल बंद, हमारे साथ स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, मज्जा, सहस्त्रार छोड़ दो। आज्ञा चक्र को महसूस करो। जब पूरा छोड़ देते हो, फिर सारी एकाग्रता आज्ञा केंद्र पर। तुम वहां कुछ सक्रिय होते महसूस करोगे। अभी पूरी एकाग्रता रखो तो यह क्रिया तुम्हारे लिए सहज हो जाएगी। इस वातावरण में
बहुत सुगमता से तुम महसूस कर पाओगे। वापस करते हैं, पूरा श्वास भरो, छाती पेट फूले, मूल बंद, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, मज्जा, सहस्रार छोड़ दो। अब हम सहस्रार से आगे की तरफ यानी आज्ञा केंद्र पर लाकर छोड़ेंगे। क्षमता बढ़ाओ, कुछ छोटे छोटे श्वास ले लो। शुरू करते हैं, पूरा श्वास भरो, पेट फूला, मूल बंद, मूलाधार से ऊपर, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, मज्जा, सहस्रार और आज्ञा चक्र छोड़ दो। महसूस करते रहो आज्ञा चक्र को, जितना शक्ति का संग्रह होगा उतना कर्मध्वंस अधिक होगा। पूरा श्वास भरो, मूल बंद, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, मज्जा, सहस्रार, आज्ञा छोड़ दो। महसूस करते रहो आज्ञा को। अंतिम बार करेंगे, पूरा रिदम में आने की कोशिश करना। जैसे जैसे हम कहते हैं वैसे वैसे उपयोग ऊपर चढ़े। चेहरे पर प्रसन्नता, कोई तनाव नहीं। कर्म बांधे तुमने तो तोड़ने की शक्ति भी तुम्हारे पास ही है। बस शक्ति का संग्रह करना है साधना से। पूरा श्वास भरिए, मूल बंद, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, मज्जा, सहस्रार, आज्ञा छोड़ दो और एकाग्रता आज्ञा चक्र पर। पूरी एकाग्रता आज्ञा केंद्र पर, आज्ञा चक्र पर। हम थोड़ी ही क्षणों में मानस यात्रा के माध्यम से कर्मध्वंस की चेष्टा करेंगे। पूरी एकाग्रता आज्ञा चक्र के भाग में कुछ भी संवेदन हो सकता है। अभी हमारी मुख्यता शक्ति का संग्रह करके मानस निर्देश के माध्यम से अनिकाचित कर्मों का ध्वंस करना है। ज्ञानावरणीय कर्म के लिए हमने जानबूझकर या अनजाने ज्ञान की, ज्ञानी की अशातना की है। इस जन्म में या पिछले जन्मांतरों में ज्ञान का, ज्ञानी का तिरस्कार किया है, मजाक किया है, उपेक्षा की है। होगी नहीं, है। जानकर अनजाने ज्ञान दाता का नाम छुपाया है इस जीवन में
पूर्व जीवन में स्वच्छंदता पूर्वक इंद्रिय और मन को लौकिक जगत में ही रमण कराया है, इस जीवन में और पूर्व के जन्मांतरों में आत्मा को छोड़, स्वयं को छोड़, सबको जानने की अभिप्सा रखी है, इच्छा रखी है, इस जन्म में और जन्मांतरों में इन सब के लिए आज्ञा चक्र पर उपयोग, इन सब के लिए शुद्ध बुद्ध और मुक्त आत्माओं की साक्षी से अंत से क्षमा याचना। जितना तुम्हारा आज्ञा केंद्र सक्रिय होगा उतना अधिक कर्म ध्वंस संभव है। बांधे हुए हर कर्म भुगतने जरूरी नहीं है, साधना के माध्यम से उनकी उदीर्णा करके विनाश किया जा सकता है। जो भावना है वो तुम्हारे हृदय में बहती रहे, ज्ञान ज्ञानी की अशातना जानकर अनजाने इस जन्म में पूर्व जन्म में इंद्रिय मन की स्वच्छंदता दुरुपयोग, इस भावना का स्मरण करने के साथ साथ आज्ञा चक्र की सक्रियता महसूस करते रहो। जितनी देर ये भाव का वेग चलेगा, जितनी देर तक ये भावधारा चलेगी और साथ साथ आज्ञा चक्र पर सक्रियता रहेगी, उतने उतने अनिकाचित कर्मों का ध्वंस संभव होगा। कोई शंका के बिना, कोई संदेह के बिना इन यौगिक क्रियाओं को संपूर्ण श्रद्धा व समर्पण से एक तरफ आज्ञा चक्र की सक्रियता और दूसरी तरफ तुम्हारी भावधारा, बस ये दो मिलेंगे और कर्म ध्वंस की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हृदय के आसपास खेद का अनुभव, हृदय के आसपास खेद का अनुभव, अनंत शक्ति होने पर भी, अनंत शक्ति का स्वामी होने पर भी, अनंत ज्ञान शक्ति का सामर्थ्य होने पर भी हम स्वयं को पहचान नहीं पाए। यह ज्ञानावरणीय कर्म का प्रभाव है। हंसते हंसते बांधे लेकिन रुला रुला कर परिभ्रमण में भुगतना होता है। तीन कार्य चल रहे हैं एक साथ एक समय में, आज्ञा चक्र पर सक्रियता, विचारों के स्तर पर ज्ञानावरणीय बांधा बंधवाया अनुमोदना की, जानबूझकर अनजाने यह जन्म दूसरा जन्म जन्म जन्मांतर उन सब की क्षमापना, और तीसरी तरफ तुम्हारे हृदय के आसपास तुम्हारे अनाहत केंद्र चक्र नहीं, आगे के भाग में अनाहत केंद्र हृदय के आसपास कोई कंपन, आज्ञा चक्र पर सक्रियता, मन के स्तर पर भाव और हृदय के आसपास कंपन। अंतिम एकाध मिनट
पूरी गहनता से, सघनता से, सिमटो अपने भीतर। स्मरण हो के ना हो पर किया है यह निर्णय रखो, क्योंकि उसी कारण अनंत ज्ञान परावरण आ गया। चेहरे पर प्रसन्नता, तनाव नहीं, कृपा है अनंत परमात्माओं की कि कर्म को तोड़ने का मार्ग हमें पता चला है। तीन कार्य एक साथ हो, आज्ञा चक्र, मन की भावधारा और हृदय केंद्र। रिलैक्स होते जाओ, जानते अनजाने ज्ञान ज्ञानी की अशातना, अभक्ति, अविनय, उपेक्षा, जो कुछ भी हुआ हो, हुआ है, उसकी क्षमापना। रिलैक्स होते जाओ, शरीर को एकदम ढीला छोड़ो, क्योंकि तुमने जितनी सघनता से भाव किया था, जितना इंटेंस तुम्हारा आज्ञा चक्र था, उतना ही शरीर अपने आप तन जाता है। तुम तानते नहीं, तन जाता है। इसलिए ध्यान अभ्यास में अंत में शरीर को रिलैक्स करते जाओ। एकाग्रता शरीर के भाग में ही, अनंत ज्ञान का स्वामी है तुम्हारे भीतर, और सामान्य बोध भी नहीं होता, विशेष बोध भी नहीं होता। पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिला लो, तत्पश्चात हाथों की उंगलियों को भी थोड़ा हिला लो। दोनों हाथों को जोड़कर तुम्हारे चेहरे के सामने ले आओ और मस्तक को झुका दो, मस्तक को झुका दो। रगड़ने को नहीं कहा। यह मस्तक बाहर तो झुकता है अनंत शुद्ध बुद्ध और मुक्त आत्माओं के प्रति, लेकिन उनके प्रति झुकते ही यह भीतर झुकता है अपनी चैतन्य सत्ता के प्रति, अनंत ज्ञान के स्वामी के प्रति। पूरे दिल से झुको। जहाँ तुम बाहर झुके कि तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे भीतर जाती है, स्वामी भीतर है, परमात्मा तुम्हारे भीतर है, लेकिन आवरण था इन कर्मों का। दोनों हाथों को खोलकर सबसे पहले आंखों पर रखो, महसूस करो इस गर्माहट को। फिर सहस्त्रार पर रखो, फिर दोनों हाथों को नीचे ले आओ और आंखें धीरे धीरे खोल दो।
एक आध मिनट बस ऐसे ही बैठे रहो। इन कर्मबंध के कारणों का मात्र विचार करने से कर्मबंध नहीं टूटते। इन कर्मबंध के कारणों का मात्र विचार करने से कर्मबंध नहीं टूट सकते, शुभ कर्म बंध जरूर सकते हैं। फर्क है, कितनी बार हम पढ़ेंगे जब इन्हीं चार्ट को, जब तुम्हें बना के दिया जाएगा तो तुम पढ़ लोगे कि अरे ज्ञानावरणीय कर्म इस कारण से बंधा है। लेकिन केवल पढ़ने से, विचार करने से कर्म ध्वंस नहीं होगा, नया शुभ कर्म जरूर बंधेगा। फर्क है कि नहीं? हम हैं कर्म ध्वंस के मार्ग पर, और विचार पूर्वक केवल नया शुभ कर्म बंधता है, पुराना संचित कर्म टूटता नहीं है। संचित कर्म को तोड़ने के लिए शक्ति चाहिए, और वो शक्ति हमें मिलेगी साधना के थ्रू। इसलिए आज तुम्हें यह नया ढंग सिखाया, यौगिक क्रिया 112 में से एक और नया ढंग। केवल विचार करने से कि हमने ज्ञानी की आराधना की थी, अब हम इच्छामि दुक्कड़म करते हैं, इससे नया शुभ कर्म बंधेगा। तुमने कुछ अच्छा सोचा, नया शुभ कर्म बंधेगा, लेकिन कर्म का नाश नहीं होगा, ध्वंस बिखरेंगे नहीं। किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, इसे तोड़ना हो, शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए। जन्मांतरों से पड़ी कर्म सत्ता, उसे तोड़ना है। केवल मात्र सोचने से, विचारने से नया अच्छा कर्म बंधेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग कर्म टूटेगा नहीं कभी। तोड़ने के लिए साधना की पद्धति पता होनी चाहिए, और इसलिए यह साधना पद्धति तुम्हें कहती हूँ। जब जब तुम लोग ध्यान के बाद भी, तुम्हारे पास ध्यान का समय हो, ध्यान के बाद भी तुम लोगों के पास ध्यान का समय हो, ध्यान की शक्ति हो, ध्यान में बैठने के लिए अभी और इच्छा, जैसे तुम लोगों को रह जाती होगी कई बार कि और 30 मिनट के आगे बैठे, 30 मिनट तो हो गए क्रिया के, और बैठे, तब और बैठने के पीछे कारण ये होता है कि अभी शक्ति बची है। और बैठने का जो मन करता है वो यही कारण है कि और शक्ति बची है, उस शक्ति का इस प्रक्रिया के अनुसार प्रयोग कर सकते हो। आज से आप सब अपने कर्मों को केवल विचारों से नहीं तोड़ सकते, कोई भी नहीं तोड़ सकता। अगर मात्र विचार से तोड़ने होते तो भगवान महावीर या कृपाणुदेव भी साधना की तरफ नहीं जाते। आंख बंद करके साधना जब होती है, उसके अंदर शक्ति का संग्रह होता है, और शक्ति का संग्रह करने के बाद जब हम जतनापूर्वक, स्मृति पूर्वक इन सब विचारों में जाते हैं, तो उस जाति के पाप को वो शक्ति अपने आप ध्वंस कर देती है। आज बस इतना ही।